नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, छोटी छोटी बूटी का सुंदर सा डिज़ाइन। आप इसे बच्चों के स्वेटर में डालिए, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में डालिए, गर्ल्स कार्डिगन में डालिए, बेबी कार्डिगन में डालिए, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। देखिए 3 1 4, 3 1 4, 4 4 4 4 और लास्ट में 3 फंदा रहेगा, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, पीछे से ऐसा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसके लिए मैंने 15 फंदे डाले हैं, 4 4 4 और लास्ट में 3 फंदा, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से। तो हम अपने दूसरे कलर के ऊन से हम 3 फंदा सीधा बुन लेंगे। एक, इसको थोड़ा सा टाइट कर लें, फिर 2 और 3, चौथा फंदा पहले कलर के ऊन से सीधा। तो इन्हीं 4 फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। 3 फंदा दूसरे कलर के ऊन से सीधा और चौथा फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, फिर 3 फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा, चौथा फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, लास्ट में 3 फंदा बचेगा जिसे हम दूसरे कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो 2 फंदा हम दूसरे कलर के ऊन से उल्टा बुन लेंगे, फिर 3 फंदा हम पहले रंग के ऊन से उल्टा। ये हमने 1 फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा बुना था सामने की तरफ से। रॉन्ग साइड से हम दोनों साइड से 1-1 फंदा ले लेंगे और ये 3 फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा हो जाएगा। तो इन्हीं, पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इन्हीं 4 फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। देखिए ये 3 फंदा जो दूसरे कलर के ऊन से सीधा था, अब रॉन्ग साइड से दोनों फंदे साइड से हट जाएंगे और रॉन्ग साइड से सिर्फ बीच वाला फंदा ही हम दूसरे कलर के ऊन से उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये हमारा 1 फंदा था, इस लाइन में हम ये इन 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। साइड के भी 2 फंदों को हम ले लेंगे, 3 फंदा हमारा उल्टा हो जाएगा। 1 फंदा दूसरे कलर के ऊन से उल्टा, 3 फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा, 1 फंदा, अब ये लास्ट के दोनों फंदे दूसरे कलर के ऊन से उल्टे हो जाएंगे। तो ये हमने दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब तो ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। डिजाइन ध्यान से देखिएगा, हर लाइन में चेंजेस हो रहे हैं, तो यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम पहले रंग के ऊन से सीधा बुनेंगे। अब ये वाला फंदा हमें इसी रंग के ऊन से सीधा बुनना है। अब देखिए इन 3 फंदों में साइड वाले दोनों फंदे हमारे इसी रंग से रहेंगे और बीच वाले फंदे का कलर बदल जाएगा। साइड वाले फंदे इसी रंग से रहेंगे, बीच वाले फंदे का कलर बदल जाएगा, यानी पहले रंग से सीधा, फिर बीच वाला फंदा दूसरे रंग से सीधा, साइड वाला फंदा पहले रंग से सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें दोहराना है, यानी ये फंदा जो है वो इसी रंग से बुना जाएगा।
तीन फंदों में से साइड वाले फंदे इसी रंग से रहेंगे, बीच वाले फंदे का कलर चेंज हो जाएगा, यानी एक फिर दो फिर एक फिर दो, यानी अब एक फंदा हमारा पहले रंग से और दूसरा फंदा दूसरे रंग से होता चला जाएगा। देखिए इस तरह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, तो चौथी लाइन में हम तीन फंदे पहले रंग के ऊन से बुनेंगे उल्टा, एक दो और तीन, तीन फंदे हमने पहले रंग के ऊन से उल्टा बुना, चौथा फंदा हम दूसरे रंग के ऊन से उल्टा बुनेंगे। तो इन्हीं चार फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे, तीन फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा, चौथा फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा, तीन फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा, चौथा फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा। लास्ट में देखिए तीन फंदे बचे हैं तो ये पहले रंग के ऊन से उल्टा हो जाएंगे। तो हमने चार लाइन कंप्लीट कर ली। अब ये डिजाइन का पांचवा लाइन है और सामने से अब देखिए ये तीन फंदे जो हैं वो काले हो जाएंगे, एक फंदा काला है, अब की साइड से भी दो फंदे ले लेंगे और ये तीन फंदे काले हो जाएंगे। तो ये और एक फंदा ये वाला फंदा इसी रंग से बुना जाएगा। अब देखिए एक फंदे जहां जहां हैं साइड से दोनों फंदे ले लिए जाएंगे और ये तीन फंदे काले हो जाएंगे। तो तीन फंदे काले, एक फंदे इसी रंग से, फिर तीन फंदे काले, एक फंदे इसी रंग से, तीन फंदे काले, एक फंदा इसी रंग से, ये फंदा काला हो जाएगा, यानी दूसरे रंग से देखिए पहले रंग से, फिर तीन फंदा काले रंग से। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, एक फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, फिर तीन फंदा दूसरे कलर के ऊन से सीधा, एक दो तीन, एक फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा और तीन फंदा दूसरे कलर के ऊन से सीधा, एक फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा और लास्ट फंदा दूसरे कलर के ऊन से सीधा। तो ये हमारा पांचवा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। अब देखिए तीन फंदे इकट्ठे हो गए हैं तो साइड वाले फंदे इसी रंग से बुने जाएंगे और बीच वाला फंदा दूसरे कलर के ऊन से, यानी ये दोनों काले रहेंगे और ये फंदा जो है वो स्काई ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। ये हमारे डिजाइन का पांचवा लाइन छठा लाइन है। तो पहला फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा, दूसरा फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा, फिर दूसरे कलर के ऊन से उल्टा, फिर पहले कलर के ऊन से उल्टा, यानी एक फंदा एक रंग से, अगला फंदा दूसरे रंग से। देखिए तीन फंदों में से साइड वाले दोनों फंदे इसी रंग से बुने जाएंगे और यहां से हमारा नया डिजाइन शुरू होगा। अब ये तीन फंदे हैं तो साइड वाले दोनों फंदे इसी रंग से बुने जाएंगे और बीच वाला फंदा दूसरे कलर से, यहां से हम हमारा नया डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड छह लाइन का ये डिजाइन है। अब फिर हमारा पहले लाइन से डिजाइन शुरू हो जाएगा, यानी कि अब इन तीन फंदों को हम दूसरे कलर के ऊन से बनेंगे। ये तीन फंदे हमारे काले हो जाएंगे, ये फंदा इसी रंग से हो जाएगा, फिर तीन फंदे काले, यानी हमारा पहला लाइन।
इन्हीं छह लाइनों को दोहराने से देखिए ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। चार फंदों का और छह लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।